तो हमारा जो विषय है उस विषय को जारी करते हुए शुरुआत करते हुए कि आखिर हिंदू कमजोर क्यों है, तो इस विषय में सबसे पहले मैं अनिल आर्य जी की राय जानना चाहूंगा कि आखिर क्या कारण रहा कि जो हमारा हिंदू धर्म जो कभी एक तरह शक्तिशाली धर्म हुआ करता था आज इतनी कमजोर हालत में कैसे है, उन इस विषय में आप क्या कहेंगे? पवन जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को आदर नमस्कार करता हूँ। और जो प्रश्न रखा है आपने कि जो हमारा धर्म इतना शक्तिशाली हुआ करता था आज हम हिंदू इतने कमजोर क्यों दिखाई दे रहे हैं, तो जहां तक मैं समझता हूं कि ये हमारे धर्म गुरुओं के कारण जो आजकल चल रहे हैं उनके कारण ये कमजोरी अधिक दिखाई दे रही है। हमारे जो मंदिरों के पुजारी हैं, पुरोहित हैं, उन्होंने धर्म को सिर्फ धंधा मान के रख दिया और जो धर्म की प्रेरणा उनको विभिन्न संस्कारों के माध्यम से देनी चाहिए थी उससे पीछे हट गए, सिर्फ जो है अपनी रोजी रोटी और अपना स्वार्थ का पोषण जो है उनका उद्देश्य रह गया। इसलिए जो हमारे हिंदू धर्मावलंबी हैं वो भी उनके अनुसार देवी देवताओं के सामने मंगते बन गए और अपने पुरुषार्थ को जो है खो बैठे हैं, पाखंड और अंधविश्वास में फंस गए, मनोतियां करते हैं कि देवी देवताएं सब कुछ पूरा कर देंगे, उनका अपना प्रयास उसके लिए नहीं होना चाहिए। तो ये सारे जो बातें हमारे धर्म के अंदर जो है इन पुजारियों ने, इन मठाधीशों ने और पुरोहितों ने जो लाए हैं वो सारी हमारी कमजोरी का कारण है, जो कि हमारा जो धर्म जो है पहले शास्त्र और शस्त्र दोनों को साथ लेके चलते थे, वो शस्त्र की भी प्रशिक्षण जो है हमारे हिंदुओं को होता था और शास्त्रों का ज्ञान भी होता था, वो परंपरा जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। इसलिए जो है हम डरे हुए और जो है कमजोर स्वभाव के जो है हिंदू बन गए हैं और जो लोभ लालच और ये सारी कमजोरियां जो हैं ये हमें दूसरे धर्मावलंबियों के सामने जो है झुकाती हैं, वरना आज 100 करोड़ है हम भारत के अंदर और ये 30 करोड़ जो है मुसलमान है और ये जो है नाक में दम किए हुए हैं और हम हर बार जो है सरकार के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि भाई रक्षा करो, हमारा बचाव करो, ये करो। अगर हम खुद जो है शक्ति संपन्न हो और शक्ति संतुलन को बनाए रखें तो सरकार तो अपनी भूमिका अदा करेगी, लेकिन जो विपक्षी लोग हैं वो इतनी हिम्मत नहीं कर सकते। तो मेरे विचार से तो ये है कि हमारे जो संस्कार हैं वो जो होने चाहिए, जो हमारे शास्त्रों के अंदर जो है बताए गए हैं उनके ऊपर हमें चलाया जाए और हम उनको समझें और फिर जब हमारे जो महापुरुष हैं जिनको हम भगवान भी मानते हैं, श्री कृष्ण है, रामचंद्र जी हैं, जब देखते हैं कि वो सारे जो है धार्मिक उपदेश उन्होंने दिए और साथ के अंदर कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र हाथ में रखा तो राम जी ने जो है वो धनुष बाण जो है हमेशा उसका दुष्टों के दमन के लिए इस्तेमाल किया, तो वो हमने वो धर्म जो है धनुष बाण और जो है दूसरे शस्त्र वो उठा के क्यों रख दिए? हमारे घरों के अंदर आज लाठी नहीं मिलती, दूसरे तो उनका क्या हम निहत्ते उनके खंजरों का मुकाबला करेंगे? तो ये सारी चीजें जो है इस बात पर विचारनी है कि हम इस कमजोरी को कैसे दूर करें और इसके लिए क्या प्रबंध किया जाए हमारे हिंदू समाज में कि जो है हम जो हमारे पर आज दमन और जो है डराने का और कत्लेआम करने की जो धमकियां दी गई है उससे निपटा जा सके। राजेश जी, आपका क्या विचार है कि हम कमजोर हैं तो क्यों है? क्योंकि ये लगभग ये लगाओ कि पहले जब आज से डेढ़ हजार साल पहले हम एक शक्तिशाली हिंदू मानते थे हम अपने आप को, लेकिन अचानक फिर एकदम कमजोर होते चले गए। आज स्थिति ऐसी है कि हम 100 करोड़ होते हुए भी हमें 30 करोड़ लोगों से डर लगता है कि वो कब हमारे को खत्म कर दें, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पवन जी, मेरा विचार ये है कि आपने जो जैसा कहा कि हमारा जो इतिहास रहा है उसमें 1000 साल पहले या 1500 साल पहले तब हिंदू ऐसे थे, इतने ज्यादा ताकतवर थे और आज इतने कमजोर क्यों, मैं तो ये कहूंगा कि आज
हिंदू जाग गया है, इससे पहले शायद हिंदू सोया हुआ था। तो हिंदू सोने का कारण क्या मान सकते हैं, क्या क्या उनके धर्म के प्रति आस्था खत्म थी, या पुजारियों के कारण जो एक अपने निजी स्वार्थ के कारण मतलब एक हिंदू समाज को एक मिसगाइड किया करते थे, वो कारण मान सकते हैं? देखिए, हमारा जो समाज है वो अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है, अलग अलग धर्म में बटा हुआ है, ठीक है, जिसमें हिंदू धर्म भी है, जैन धर्म भी है, सिख धर्म भी है, मुस्लिम धर्म भी है, और हिंदू का मतलब हिंदुत्व। आज मैं यदि हिंदू हूं तो हिंदुत्व मेरे साथ रहेगा हमेशा, हिंदुत्व की मैं पालना करूंगा और हिंदुत्व मेरा कर्तव्य रहेगा। सिख जो है वो अपने सिख धर्म की पूरी तरह से निर्वहता करता है, सिख धर्म को निभाता है। मुसलमान जो है वो मुसलमान धर्म को निभाता है। लेकिन जो आज आपने कहा कि हमारा हिंदू धर्म कमजोर क्यों, हम में से ही कुछ हिंदू जो हिंदू होते हुए भी हिंदुत्व को नहीं मानते, हमारी कमजोरी बस यहां आ जाती है। नहीं, हिंदुत्व को किस एंगल से नहीं मानते हैं? मैंने देखा है जैसे मंदिरों में खचाखच भीड़ होती है, और हमारे इतने धार्मिक स्थल हैं कि वहां आए दिन उनकी संख्या में वृद्धि होती है, उनकी संख्या में वृद्धि होती है, तो इतना कुछ होने के बावजूद भी फिर भी हम अपने आप को एक असहाय सा महसूस करते हैं। क्या हमारे जो आप बता रहे हैं वृद्धि हो रही है, ये तो मैंने आपसे कहा कि आज हिंदू जाग रहा है, लेकिन जो हमें दिक्कत है वो वहां है उन लोगों से है जो हिंदू होते हुए भी हिंदुत्व की रक्षा की बात ना करते हुए वो बातें करते हैं और धर्म की, कि उन धर्म को भी। हम तो कहते हैं कि सर सब धर्म एक है, ये वाली बात तो हम कहते ही हैं, ठीक है, सब धर्म को जीने का अधिकार है, सब धर्म को साथ रहने का अधिकार है, इस बात को भी हम हिंदू धर्म स्वीकारते हैं। लेकिन कुछ धर्म ऐसे हैं जो सिर्फ अपने धर्म को ही चाहते हैं कि वही उसी का ही सिर्फ और सिर्फ हर जगह यशगान हो, गुणगान हो, और कोई धर्म ना बचे, शायद वो ऐसा समझते हैं। लेकिन हम जो कहते हैं, हम कहते हैं सर्व धर्म संभव, सभी धर्मों की रक्षा हो, सभी धर्म अच्छे रहें, हमारी मान्यता ही रहती है, हमारी भावना ही रहती है। लेकिन बात यह है कि जैसे हम मुस्लिम धर्म है, वो हमारे धर्म के बिल्कुल 180 डिग्री विपरीत है जी, कि हम दाएं बैठेंगे तो वो बाएं बैठेंगे, हम मूर्ति पूजा करेंगे तो वो मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, मतलब हम रोटी ऐसे खाएंगे तो वो उल्टे तवे की खाएंगे, मतलब हर चीज विपरीत है, फिर वो दोनों एक छत्र छाया के नीचे कैसे रह सकते? नहीं, ठीक है, वो अपना अपने जहाँ रहते हैं वहां रहे, अपनी अपनी जगह रहे, लेकिन हम तो कभी भी उनके, आप ये बताइएगा पिछले 100 साल में, 200 साल में, 500 साल में, 2000 साल के अंदर कभी ऐसा हुआ कि हमने उनके क्षेत्र के अंदर अतिक्रमण करने की कोशिश की हो? नहीं, ये तो हमेशा उनकी ही लालसा रही है अतिक्रमण करने की हमारे क्षेत्र में आकर के। क्या आप दोनों इस बात से सहमत है कि जो हिंदू धर्म है वो एक मनोकामना पे टिका हुआ है, मतलब हिंदू धर्म का पालन करने वाले यही उम्मीद करते हैं कि भगवान या हमारे ईश्वर या हमारे देवता हमें कुछ दें, बजाय धर्म के लिए कुछ करने के उसमें, और जो पुण्य के जो काम होते हैं, जैसे समाज के भी अगर काम हो हिंदू धर्म में या कोई और भी, वो भी इसलिए होते हैं कि भाई हमें स्वर्ग मिल जाए, हम मतलब हम अपने कर्मों को सही कर सकें। लेकिन संस्कृति की, जहाँ हिंदू संस्कृति की बात आती है, तो वो धर्म के प्रति किसी तरह का जागृति पहला वाली बात नहीं होती। इस नहीं, बारे में आप क्या कहना? ऐसा नहीं है, हिंदू में जागृति भी होती है, हिंदू में दया भाव भी होता है, हिंदू में सेवा भाव भी होता है, हिंदू ये सभी काम करता है। जो आप भगवान के नाम पे हम जो करते हैं वो भी शायद प्राणी के नाम पे ही, हम उसके सेवा भाव के रूप में ही उसको जो है सेवा करते हैं, उसकी सेवा देते हैं, समाज के अंदर सेवा करते हैं। नहीं, इसी विषय को थोड़ा सा आगे लेते हुए, आज हम मानते हैं कि हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा मंदिर है, बड़े तालाब में लगभग 50 से 60 हजार हर मंगलवार को व्यक्ति आते हैं, लेकिन जब हिंदू संस्कृति की बात आती है, कि धर्म के लिए कुछ करने की बात आती है, क्या आप उम्मीद लगाते हैं कि 50-60 हजार जो व्यक्ति जो रोज मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं वो धर्म के लिए कहीं खड़े पाएंगे? चलिए, आपके इसी बात का मैं एक अर्थ बताता हूँ। हिंदू में एक ये बताइएगा, जितनी धर्मशालाएं बनती हैं, ठीक है, जितने भी और आपके समाज सेवा के कार्य होते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, चैरिटेबल होते हैं, वो सारे हिंदू लोग ही करते हैं। कौन सा दूसरा आप ये बताइए ना धर्म जिसने हिंदुस्तान के अंदर बना लिए हैं, आप बताइए, आप ही जवाब दीजिए। वो सेवा भाव वाली आ गई। आर्य जी, आप बताइए कि सेवा भाव से कि धर्म चलेगा, या उसके अलावा भी कुछ हमें इसमें जागृति लानी चाहिए? ओम जी, ऐसा है कि सेवा एक जो है धर्म का उम्दा पक्ष है और धर्म का एक लक्षण है, सेवा भाव होना चाहिए, लेकिन यदि सेवक ही ना बचेंगे तो सेवा कौन करेगा? जो क्षत्रिय भाव है वो भी हमारे हिंदू धर्म का एक अंग है,
और वो क्षत्रिय भाव जो है वो लुप्त होता जा रहा है। और वो किस लिए लुप्त हो रहा है? क्योंकि हमने अपने शास्त्रों की मिथ्या व्याख्या शुरू कर दी, हमने अपने शास्त्रों में मिलावट करके कई ऐसे गपोड़ शंख जो है शामिल कर दिए, जो कि हमारे हिंदुओं को पुरुषार्थ विहीन करके देवी देवताओं की मनोतियों पर आश्रित कर दिया। और जो आप अभी कह रहे थे कि हजारों की संख्या मंदिरों में बढ़ी है, चाहे वो पढ़े लिखे भी जाते हैं, अनपढ़ भी जाते हैं, तो वो सब इस अंधविश्वास के शिकार रहते हैं कि हम कुछ देवी देवताओं से मनोतियां करेंगे, मनोकामनाएं करेंगे, मांगेंगे तो उनसे हमारी पूर्ति होगी, जो कि पुरुषार्थ के मार्ग से बिल्कुल अलग हटके। पुरुषार्थ हमें कहता है कि हम अपना प्रयास करें, परिणाम जो है वो परिस्थितियों के ऊपर और परमात्मा के ऊपर छोड़े, जो हमारी भगवत गीता का उपदेश है। लेकिन उस उपदेश को भुला दिया, क्योंकि वो उपदेश श्री राम का और श्री कृष्ण का जो था वो पुरुषार्थ सिखाता है, वो हमें जो है बुराइयों के खिलाफ लड़ना सिखाता है। लेकिन लड़ने वाला भाव हिंदुओं में जो है वो समाप्त हो गया। और इसलिए मैं तो कहूंगा ये मनोतियां जो है ये एक तरह से हिंदुओं को ममता बनाती जा रही है, और ममता और भिखारी जो है वो हमेशा अपनी रक्षा के लिए गिड़गिड़ा सकता है, अपने पूर्ति के लिए मांग कर सकता है, लेकिन अपने अधिकार से किसी चीज को हासिल नहीं कर सकता। तो ये हमारी जो ममतापन है, चाहे वो देवी देवताओं के नाम पर हो, ये जो है हमारे धर्म की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। और ये अवतारवाद क्या है? अवतारवाद यही तो कहता है कि भाई श्री कृष्ण का अवतार होगा, फलाने परशुराम का अवतार होगा, रामचंद्र जी का अवतार होगा, और वो जो है दुष्टों का जो है वो संहार कर देंगे, ये कर देंगे और हमारा बचाव होगा। अरे वो राम का भाव, वो श्री कृष्ण का भाव हम हिंदू अपने आत्मा में क्यों नहीं जगाते? तो श्री कृष्ण ने तो कहा है यदा यदा धर्म से ग्लानि भवति बात, कि जब जब जो है धर्म की हानि होगी तो वो दैवी शक्ति हम लोगों में जो वो जागृत हो, उदय हो, और तदात्मानम सज्जा में हम, और वहां जो है फिर मेरी प्रेरणा होगी। लेकिन उस प्रेरणा को तो हमने निर्मूल कर दिया और हम जो है उसके आगे जो है डर बैठते हैं, वह जो करे दूसरा करे, लेकिन हम अपने लिए कुछ नहीं कर सके। सरकार बना दी तो हम सरकार के सामने गिड़गिड़ाते रहे, वो हमारी रक्षा करे, लेकिन अपनी रक्षा के लिए हम अपने हाथों को ना उठाएं और चाहे हमारा कुछ सरकलम कर दे। लड़ने वाले कुछ लोग होते हैं, उनको जो है भाई लोगों का, बाकी का जन समुदाय का इतना साथ नहीं होता, सहयोग नहीं होता, इसलिए राजनीति जो करते हैं सरकारों में आते हैं तो वो तो भाई वोट की राजनीति करते हैं, वोट बैंक उन्हें जैसे दिखाई नहीं देता तो वो भी जो है पीछे हट जाते। तो ये मेरे को तो यही बात समझ में आ रही है कि हिंदू में जो क्षत्रिय संस्कार जो होने चाहिए वो जो है हमारे इन पुजारियों के, पुरोहितों के कारण, हमारे इन जो है धर्म गुरुओं के कारण जो कि मठाधीश बने बैठे हैं, और अपनी जो है जो प्रेरणा उनकी तरफ से होनी चाहिए थी, जैसे सेना के अंदर जो है एक पुजारी जो है सेना को युद्ध करने के लिए जो है वो प्रेरित करता है, तो वो जो है वो पुरोहिताई हम नहीं कर रहे। हम सिर्फ चढ़ावा खाने के लिए मठों में बैठे हुए और हमारे धर्मगुरु, और जो है अपना धन कमाने के लिए हम अपने यजमानों का जो उपयोग हमारे पुरोहित कर रहे हैं हमारे धर्म में, वो बिल्कुल जो है अपने यजमानों को अपने अधिकार के लिए लड़ने को प्रेरित नहीं करते, और ना ही कभी खुद लड़के आते हैं। यही तो हुआ सोमनाथ के मंदिर को लुटवाने वाला, यही तो कारण था पृथ्वीराज चौहान को हरवाने वाला, कि उन्होंने जो है सब कुछ देवी देवता के ऊपर छोड़ दिया कि खुद ही गजनी का जो है वो जो है देवी देवता संहार कर देंगे और जो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो पुरोहितों ने रिश्वत खा के गजनी की जो ये किया था। तो ये आज जो है हिंदू धर्म की कमजोरी इन पुरोहितों के कारण है और इन धर्म गुरुओं के कारण है जो मठाधीश बने बैठे हैं लेकिन अपने कर्तव्य का वहन नहीं कर रहे। हिंदू जाग रहा है क्योंकि अब ठोकर पड़ रही है, और इसलिए जो है वो जागना चाहिए भी, ठोकर खाकर भी नहीं समझे तो वो तो अनाड़ी है। लेकिन जो जागृति आ रही है वो पर्याप्त मैं नहीं समझ रहा, पर्याप्त होनी चाहिए, और हर हिंदू को जाग के अपने अधिकार की रक्षा के लिए लड़ना सीखना चाहिए, चाहे वो जो है मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे या शस्त्र शरीर बल से हो, चाहे वो शस्त्र बल से हो। जब तक हम ये नहीं सीखेंगे शक्ति संतुलन नहीं बनेगा, और जहां शक्ति संतुलन नहीं होता वहां शांति स्थापित नहीं रहा करती है। तो ये सारी गड़बड़ाहट जो अशांति हो रही है, जो अमन चैन के अंदर जो बदहाली हो रही है,
ये शक्ति संतुलन के न होने के कारण है और हिंदू का लड़ा का भाव जो लुप्त हो गया है उसके कारण है। इस लुप्त भाव को हमने जगाना है और इनको शक्ति संपन्न करना है, फिर अपने आप सरकारें भी इनके पीछे रहेंगी और दूसरे जो है इनके ऊपर कोई हाथ भी नहीं उठा सकेंगे। अब हम बात करते हैं जैसे कि अब महाभारत काल के से रामायण काल की बात करते हैं। रामायण काल और महाभारत काल में भी लगभग 3,000 साल का अंतर रहा, ठीक है। फिर महाभारत से लेकर चंद्रगुप्त का काल है, उसमें भी 2,500 से 3,000 साल के बीच का अंतर रहा। और आज हम चंद्रगुप्त के समय की तुलना करते हैं तो लगभग हमारा भी समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इतना ही है। यानी इस चीज़ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हर 2500 साल के आसपास कोई ना कोई परिवर्तन आता है। अब बात करते हैं हम वर्गीकरण की। चंद्रगुप्त के समय में जब चाणक्य महामंत्री थे मगध के, तो उस वक्त वर्ग था, कास्टिज्म नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब राजा विक्रमादित्य बने, उज्जैन के राजा बने, तो उन्होंने एक तरह से सनातन को तो दोबारा उठाया। ये अच्छी बात थी कि बुद्ध धर्म के कारण हम थोड़ा सा कमजोर पड़ गए, क्योंकि उन्होंने अहिंसा का जो नारा था, अशोक ने, सम्राट अशोक ने कहा कि भाई पूरे राष्ट्र को हम बुद्धिस्ट राष्ट्र बनाएंगे, और उनके लिए उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर वर्मा तक और श्रीलंका से लेकर चीन तक पूरा प्रचार भी करा, जिस कारण हिंदू कुछ हद तक कमजोर हुआ। लेकिन कमजोरी के बाद विक्रमादित्य ने देखा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इस तरह तो हिंदू कमजोर होता रहेगा और आक्रमणकारी बाहर से आके हमारे पे हावी होते रहेंगे और हम फिर एक तरह से कमजोर हो जाएंगे। उन्होंने बुद्धिस्ट का एक तरह से विरोध किया और वापस सनातन धर्म स्थापित करने की कोशिश की। ये जो कश्मकश की लड़ाई थी, ये भी एक हिंदू धर्म को कमजोर कर गई, जो जिसका हर्जाना हम आज भर रहे हैं। तो अब उसके बाद अब 2,500 साल पूरे हो चुके हैं, एक परिवर्तन का दौर चल रहा है। तो राजेश जी, इस बारे में क्या कहेंगे, क्या अभी अब अगर हम लोगों ने कदम सही बढ़ा लिया, धर्म के प्रति कुछ कर लिया, तो हो सकता है कि हम 10-15 साल में हिंदू राष्ट्र ही नहीं बना पाएंगे बल्कि एक विश्व शक्ति के रूप में भारत को नंबर एक पे लेके आएंगे, विश्व शक्ति के रूप में। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पवन जी, जैसे आपने कहा, युग परिवर्तन होता रहता है, हर 2,500 साल में जो युग परिवर्तन हुआ है, आज भी एक युग परिवर्तन हो रहा है। जो पहले भी कहते रहे हैं सतयुग है, ठीक है, उसी ढंग से आज की तारीख में बोलते हैं कि ये कलयुग है। कलयुग को हम 2 महीने में कह सकते हैं, ठीक है। जो आज कलयुग है यानी कि कल पुर्जों का युग, इसे यूं भी तो कहा जा सकता है, मशीनी युग ये भी तो कहा जा सकता है ना इसको। आज जो आप बोल रहे हैं वो उसका अर्थ यही है कि आज मशीनी युग आ गया है। आप ये देखिएगा, इससे पहले मशीनी युग नहीं था, ठीक है, सब कुछ एक ही था कि जैसा भगवान चाहेगा वैसे चल रहा है। लेकिन आज जो चल रहा है, जैसा इंसान चाह रहा है वैसी जिंदगी चल रही है, हम सबकी वही जिंदगी हो रही है। और जहां तक आप धर्म की बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा हमारा हिंदू जो है आज जाग चुका है, ठीक है, आज हर चीज में परिवर्तन आ गया है। आज हिंदू ये जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है, आज वो अंधविश्वासी नहीं है, ठीक है। नहीं, अंधविश्वासी नहीं है, लेकिन हिंदुत्व के लिए भी तो कुछ करने के लिए आगे नहीं आ रहा। नहीं, आज हिंदुत्व की भावना उसके अंदर ज्यादा, मैं सोचता हूँ कि पहले से ज्यादा भर रही है आज, ठीक है। युवा वर्ग में आज हिंदुत्व बहुत ज्यादा कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को हिंदू नहीं कहता। ये पहले अनपढ़ता की निशानी थी, जो इसके अंदर कोई भी धर्म जो है बरगला लिया करता था किसी भी हिंदू को। लेकिन आज वो जबरदस्ती किसी धर्म, कोई और धर्म जो है हिंदू को बरगला नहीं सकता। आज हिंदुत्व में अपनी ताकत है, और मैं सोचता हूँ कि आज का जो हमारा नए जो नेता आए हैं, ठीक है, उन्होंने हिंदुत्व को और ज्यादा दिशा दी है, उससे हिंदुत्व हमारा और मजबूत हुआ है। आप सहमत हैं राजेश जी की बात से, अनिल आर्य जी? हाँ जी, ऐसा है कि राजा विक्रमादित्य जो विक्रम हुए वो तो महापराक्रमी थे, और बुद्ध धर्म में जो पराक्रम की स्थिरता आने लगी थी राजा अशोक के बाद में, लड़ना और जो है लड़ाना वगैरह उसके मार्ग को छोड़ दिया था, तो उससे अलग हटके पराक्रमी बनाने के जो है उनका संकल्प था राजा विक्रमादित्य का, जिसके ऊपर हम अपना हिंदू संवत भी जो है चलाते हैं। लेकिन वो जो है जो उनकी इच्छा थी, और वो बाद में जो धर्म गुरु और जो पुरोहित उन्होंने संभाल लिया धर्म के प्रचार का मार्ग जो है, उसमें जो है उन्होंने मिलावट कर दी अपने स्वार्थ की, और उस वजह से हमारा जो समाज था वो जाति पाति में बट गया। जो वर्ण थे हमारे
वो गुण कर्म स्वभाव पर थे, वो प्रोफेशन थे। जैसे आज कोई भी डॉक्टर की लेता है शिक्षा तो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, सैनिक बनता है, अध्यापक बनता है, कुछ भी, वो तो प्रोफेशन थे। लेकिन वो उन पुरोहितों ने उसको जो है इस प्रकार से कर दिया कि वो जन्मजात कर दिए और जन्म के दायरे को तोड़ के दूसरे अच्छे जो है जो सवर्ण कहे जाते थे उनमें आना उनके लिए दूभर कर दिया, जिससे कि हमारी समाज बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। देखिए यदि जो है हम अपनी जाति को कुल के आधार पर मानते हैं तो वो तो मिट नहीं सकता, क्योंकि हमारे पूर्वज तो कोई ना कोई होते हैं। कुल जो है हमारे, अब जैसे हम अपने आप को, मैं आर्य समाज में आस्था रखता हूँ, लेकिन मेरा कुल क्या है? मेरा कुल यदु कुल है जो श्री कृष्ण की उससे चल रहा है और हमारे पूर्वज जो उसी के ऊपर, तो कुल तो नहीं बदलता कि हम अपने अहित कहें यादव कहें, लेकिन वो कास्ट नहीं है, वो हमारे कुल है। और ये जो प्रोफेशनल आधार पर जैसे खाती, लोहार, चमार, धानक, जो प्रोफेशन के आधार के ऊपर उन्होंने जातियां बना दी थी, ये जो है ये बिल्कुल एक सरासर गलती थी। भाई जो जिस काम में महारत रखता है वो करे, कोई जरूरी नहीं है कि एक चमार और धानक जाति का जो व्यक्ति है वो ब्राह्मण का काम नहीं कर सके, वो एक क्षत्रिय का काम नहीं कर सके, वो एक वैज्ञानिक नहीं बन सके। तो ये सारी जो बंदिशें जो इस वर्ग ने, पुरोहित वर्ग ने जो लगा दी थी, जिसे आज हमारे बीच में से कुछ जो है चिढ़ते हैं इस बात से और उसको ब्राह्मणवाद का भी जो नाम देते हैं कि इस ब्राह्मणवाद ने हमारे हिंदू धर्म को कमजोर और भ्रष्ट कर दिया। तो लेकिन ब्राह्मण क्योंकि जाति भी आजकल मानी जाती है, इसलिए मैं उस शब्द को तो नहीं स्वीकार करता, लेकिन हाँ जो ब्राह्मणों में जो पुरोहिताई करने वाले लोग थे, जो पुजारी वर्ग था, जो धर्म गुरु मठों के ऊपर जो है आधीश बने बैठे थे, इन सब ने जरूर जो है अपने स्वार्थों का पोषण करने के लिए, अपनी रोजी रोटी और सुविधाओं को जुटाने के लिए बाकी समाज के जो अन्य वर्ग थे उनको भ्रमित किया है और उन्होंने इस समाज के कैरेक्टर को डिग्रेड किया, जिसकी वजह से हम कमजोर हैं। तो आपको कैसे लगता है राजे जी? आर्य जी बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं कि भाई जो ब्राह्मण वर्ग था, जो एक शिक्षा का वर्ग था जिसके अनुसार समाज चलता था, वो क्या था, उनने अपने निजी स्वार्थ के लिए धर्म को इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं है, जैसे मैं समझता हूँ कि जो उसमें वर्गीकरण किया गया था, जैसे बताते हैं कि नाई, लोहार या जो भी है, वो वर्गीकरण किया गया था तो उसके अंदर एक वो वैशावली उनकी चलने लगी थी और वैशावली चलने के कारण उन लोगों ने अपने आप को वही लोहार जाति ही मानना शुरू कर दिया था या खाती जाति ही मानना शुरू कर दिया था। जो जिस वर्ग का काम करता था वो उसी वर्ग में ही अपने आप को एक चलते जाना शुरू कर दिया था। लेकिन आज उस चीज का अर्थ भी बदल रहा है, आज शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है, आज जो शिक्षा है उसी हिसाब से पंडित भी बन रहे हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो रहा है, आज तो कई जगह महिलाएं भी पंडित हो गई हैं, पहले तो ऐसा कभी होता ही नहीं था। तो मैं तो यूं कहूंगा कि समय परिवर्तन हो रहा है, युग परिवर्तन हो रहा है और धर्म परिवर्तन भी हो रहा है। अब धर्म बदल गया है, आज का हिंदू बदल गया है, आज हिंदू अब शक्तिशाली होता जा रहा है धीरे धीरे, और मुझे यकीन है कि हिंदू अधिक से अधिक शक्तिशाली होगा और एक संसार में अपनी बहुत अच्छी पहचान अपनी दे करके जाएगा। आर्य जी आपको क्या लगता है हमें अगला कदम क्या उठाना चाहिए ताकि हम अपने समाज को, अपने देश को मजबूत कर सकें? धर्म के आधार पर हमें किस तरह की पहल करनी चाहिए? देखो जी, मैं तो ये समझता हूँ कि स्वामी दयानंद ने जो मार्ग दिखाया और आर्य समाज ने जिस तरह जाति पाति का खंडन और उसको जो है हटा के एक जो है बढ़िया समाज, श्रेष्ठ समाज बनाने का जो संकल्प लिया था, वो अगर पूरा होता है तो हम सारे हिंदू जो हैं बहुत ही संपन्न और शक्ति संपन्न जो है वो बन सकते हैं। और ये अभी जैसे राजेश जी कह रहे थे भाई महिलाएं भी पंडित बन गई हैं, तो ये भी सब आर्य समाज की देन है जी। और जो हमारे दलित भाई जो जिनको अधिकार नहीं था, जो इन्होंने उनका अधिकार समाप्त कर दिया था कि वो वेद भी नहीं पढ़ सकते, वो धर्मग्रंथ भी नहीं पढ़ सकते, और अगर वो पढ़ते हैं और सुनते हैं तो उनके कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाए, ये सब जो है स्वार्थी पुरोहितों ने किया था। तो वो सब जो है वो भ्रम जो है उनका वो अब समाज में आर्य समाज के कारण दूर हुआ है और अब जो है जो दलित जाति के लोग हैं
वो साइंटिस्ट भी बन रहे हैं और वो दूसरे कार्य क्षेत्रों में भी आ रहे हैं। ये ठीक है कि हमारी जो पुरातन जो सभ्यता थी वो स्वरोजगार पर निर्भर थी, और स्वरोजगार में जब और कोई अच्छा विकल्प ना हो तो पैतृक व्यवसाय को अपनाने में कोई हर्ज नहीं है, और हमें अपने पैतृक व्यवसाय से नफरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जन्म पर से ही वो हमें एक सहारा तो देती है, लेकिन दूसरे जो विकल्प जो उनके बेहतर विकल्प हैं वो जो है उन पर कोई बंदिश जो लगाई गई थी वो अब हटती जा रही, इस बात से हमें वो खुशी है, और ये हिंदू धर्म को थोड़ा सा अब उठाने में भी जो है सहायक हो रही है, लेकिन अभी पूर्णतः अभी वो भाव नहीं हुआ है। हमारे ही धर्म में ये जहां रोजी का और जो आर्थिक विषमता थी वो तो दूर हो गई, लेकिन रोजी रोटी के साथ साथ जो बेटी का संबंध बनना चाहिए, भाई ये एक स्वर्ण जाति कहे जाने वाली वर्गों में दलित जाति कहे जाने वाले वर्गों के बीच में वो अभी भी खुला नहीं है, वो उसके लिए अब भी ऑनर किलिंग होती है। तो जब तक रोटी और बेटी का संबंध स्थापित नहीं होगा, जब तक हम नहीं कह सकते कि जो है ये हमारा जाति मुक्त समाज है, और जब तक जाति मुक्त समाज नहीं होगा जब तक आरक्षण भी जो है वो उनके लिए जरूरी रहेगा, लागू रहेगा, और आरक्षण यदि रहेगा तो फिर जो अयोग्य लोग हैं वो भी आरक्षण के आधार के ऊपर जो है उन कामों के ऊपर आ सकेंगे जिसके वो अधिकारी नहीं हो सकेंगे। तो सबसे पहले जाति मुक्त समाज जो है वो हो, और रोटी के साथ साथ बेटी का संबंध जो है वो बनाया जाए, अंतर जातीय विवाह जो हिंदू धर्म में है वो होने चाहिए, तभी जो है हमारा जाति मुक्त समाज बनेगा। और ये जो अब जाति मुक्त हम अंतर जातीय का तो विरोध करते हैं, और जो लव जिहाद में बेटियां को भगा ले जाते हैं, बेटियां भाग जाती हैं, उसके सामने लाचार हो जाते हैं, वो हम अपने बच्चियों को संस्कार नहीं दे रहे कि भाई इन लोगों से राक्षसों से तुम जो है किस प्रकार चंगुल में आती हो, किस प्रकार तुम्हारा शोषण होता है, किस प्रकार तुम्हें मारा जाता है, या शादी के नाम पर ले जाकर फिर तुम्हें वैशालों में बैठा दिया जाता है। तो ये संस्कार हम अपने बच्चों से अवगत नहीं करा रहे, चाहे वो पढ़े लिखे हैं, चाहे वो संपन्न लोग हैं, और उनकी बेटियां जो है वो ज्यादा भागती हैं उनके पीछे। तो ये जो है ये संस्कार की कमी है जो मैं समझता हूं, और अपने धर्म के बीच में जो अंतर जातीय जो होना चाहिए संबंध उससे हम मुंह मोड़ते हैं, तो ये हमारी एक बड़ी कमजोरी है। जब तक पूरा हिंदू धर्म अपने आप को एकजुट नहीं समझेगा, एक समान नहीं समझेंगे सब लोग, तब तक हिंदू जो समाज है वो शक्ति संपन्न भी नहीं हो सकेगा, और एकता जहां नहीं होती वहां बल नहीं होता, और अनेकता में बिखराव होता है, दूसरे धर्मावलंबी उसका फायदा उठाते हैं, और जब एकता टूटती है और कमजोर होता है तो वो लोग फिर पिटते भी हैं, और यही पिटने का कारण मुझे दिखाई देता है कि हिंदू में एकजुटता नहीं है। और एकजुटता किस लिए नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे को अपने समान नहीं समझते हैं, और एक दूसरे से कोई उच्च समझता है तो कोई दूसरे से अपने आप को हीन समझता है या हीनता का बर्ताव समझता है, इसलिए उनके मन नहीं मिल पाते हैं। तो रोटी बेटी का संबंध स्थापित हो, अंतर जातीय विवाहों को हमारे सारे वर्ग प्रोत्साहन दें, और विवाह जो है गुणक्रम स्वभाव के आधार पर बच्चे बच्चियों को जो है स्वतंत्रता मिले, और मैच्योर होने के बाद जो है वो पढ़ लिख कर अपना रोजगार हासिल करके जो है इस स्टेज पे आए और विवाह करें, या उनके माता पिता स्वेच्छा से करवाएं, तो हमारा हिंदू धर्म भी जो है एक शक्तिशाली जो है वो धर्म बनेगा, और जो है ये दूसरे जो हम पर आक्रमण करते हैं, हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, वो नहीं कर सकेंगे। राजेश जी, आप इनकी बात से सहमत है आर्य जी के? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, ऐसा तो हम हिंदू धर्म में सोचते ही हैं, सभी धर्म की रक्षा होनी चाहिए, सभी धर्म एक बराबर हैं, और लेकिन हमें अपने धर्म के प्रति कट्टर भी होना चाहिए, मेरा तो ये मानना है, हमें कट्टर रहना चाहिए, अपने धर्म के रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए, खड़े रहना चाहिए, उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। और वो कट्टरता हमें जब ही आएगी जब हमें अपने सही शास्त्रीय ज्ञान होगा, हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे उपनिषद हमें सही जो है वो क्या मार्गदर्शन करके गए हैं, और ये बीच में जो कपोर संख शामिल कर दिए ना पुराणों के,
जिन्होंने भागवत में और गरुड़ में और ऐसे ऐसी अश्लील चीजें भर दी जिनको कि सोच के भी जो लज्जा आने लगती है, तो जो अंधविश्वास इसमें भर दिया और जो दूसरा दिग्भ्रमित जो है समाज को कर दिया, उससे मुक्ति भी पानी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम इन पंडो पुरोहितों के चंगुल में रहे तो हम सदा उनकी ही इच्छा पूर्ति करते रहेंगे, लेकिन कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे, कभी हम अपना पुरुषार्थ का रास्ता नहीं अपना सकेंगे। हम सिर्फ उनके कहे मुताबिक देवी देवताओं के सामने ही मंगते बने रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे, और गिड़गिड़ाने वाले आदमी जो कभी कट्टर नहीं हो सकते अपने धर्म की रक्षा के लिए। धर्म की रक्षा के लिए तो वो ही होंगे जिन्हें पूरा अपना संपूर्ण ज्ञान हो कि हमारा धर्म क्या है, क्या सिखाता है। तो हमारा धर्म शास्त्र और शस्त्र दोनों की पूजा सिखाता है। शास्त्र को हम माने, हम उनको समझे और उसकी रक्षा के लिए अपने शस्त्र संचालन के लिए भी तैयार रहें, कुर्बानी और बलिदान से भी रहें, मर मर कर जीने की बजाय हम जो है सम्मान के साथ लड़ते हुए मर जाना बेहतर समझेंगे, तो फिर हमें कोई जो है मात नहीं दे सकता। धन्यवाद आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद।